नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम बीसीए फर्स्ट सेम के लिमिट ऑफ ए फंक्शन 4.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो लिमिट ऑफ ए फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, ठीक है ना। ओके, तो देखो कुछ रिजल्ट्स हैं उनको देखो। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कोस एक्स इज इक्वल टू वन होता है, क्योंकि कोस जीरो क्या होता है, वन होता है, ठीक है ना। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है, यानी एक्स जैसे जैसे जीरो की तरफ जाएगा साइन एक्स की वैल्यू जीरो की तरफ जाएगी। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसमें थोड़ा ध्यान रखो, अभी साइन यानी कि साइन के का जो एंगल है ना वही डिनोमीटर में सेम वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। जो यहाँ पर वैल्यू है साइन के एंगल में वही नीचे सेम होनी चाहिए, और वही x टेंस टू जीरो होनी चाहिए, तब वन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। सिमिलरली x टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स भी वन आएगा, इसके अंदर भी यही ध्यान रखना है। टेन के साथ जो एंगल है ना वही एंगल सेम डिनोमीटर में होना चाहिए, और वही डिनोमीटर और एंगल दोनों x टेंस टू जीरो होने चाहिए, तब ये जीरो की तरफ यानी वन की तरफ जाएगा, ठीक है ना। लिमिट x टेंस टू जीरो x अपॉन साइन x, ये इसका उल्टा है, ठीक है ना। ये भी किसकी तरफ जाएगा, वन की तरफ जाएगा। तो इन्हीं फार्मूलों को का यूज करके हम करेंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, देखो अब देखो कैसे, जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो साइन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन फाइव एक्स अपॉन में साइन फिफ्टीन एक्स। अब देखो क्या है, सॉल्यूशन करते हैं। देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, पहले ऊपर वाला लेते हैं, तो साइन फाइव एक्स, देखो क्या बताया था, जितना एंगल में हो उतना ही क्या होना चाहिए, नीचे भी होना चाहिए डिनोमीटर में, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, फाइव एक्स से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ फाइव एक्स से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। और लिमिट अपॉन में क्या कर देंगे, फिर लिमिट अलग अलग लगा देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन फिफ्टीन एक्स। यहाँ भी देखो फिफ्टीन एक्स क्या है, इसके एंगल में है, तो यहाँ पे 15x से नीचे भी होना चाहिए डिनोमीटर में, अरे इनटू में क्या करेंगे 15x से मल्टीप्लाई करना। तो ये फार्मूला तो क्या हो गया, यहाँ से वन हो गया, ठीक है ना। क्योंकि x टेंस टू जीरो है तो 5x टेंस टू भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिन से x टेंस टू जीरो सो 5x टेंस टू ऑल्सो जीरो, x टेंस टू जीरो सो 15x टेंस टू जीरो, ठीक है ना। ओके, तो ये तो क्या हो गया, वन हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, वन इंटू में फाइव एक्स, और यहाँ से ये भी क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये भी वन हो गया, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया, वन इंटू में फिफ्टीन एक्स, और एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा, फिफ्टीन बाई मतलब फाइव बाई फिफ्टीन, यानी क्या आ गया आंसर, वन बाई थ्री आ गया। क्या आएगा बच्चों, वन बाई थ्री। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आपको बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो यहाँ से सेकंड क्वेश्चन देखो, अब देखो एंगल में कितना है एक्स स्क्वायर, यहाँ नीचे कितना है एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ भी क्या बना देंगे, एक्स है तो क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर हो गया, और एक्स से क्या कर देंगे डिवाइड, ये एक्स पलट के चला जाएगा ऊपर, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पलट के चला गया ऊपर, ठीक है ना। तो ये तो हो गया वन, ये तो क्या हो गया वन, तो एक्स टेंस टू जीरो हो रहा है, तो जीरो इंटू में क्या हो गया वन, इजल टू क्या आ गया, इसका आंसर जीरो आ गया। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी के अंदर सारे क्वेश्चन कराता हूँ एक एक करके। देखो ये फार्मूले में राइट में लिखे रहने दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एट एक्स अपॉन साइन टू एक्स। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसी के अंदर क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर बी एक्स। दोनों को एक एक करके करते हैं देखो। तो देखो इसके अंदर क्या है, टेन एट एक्स, देखिए इधर देखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स इजल टू वन, यानी कि जितना टेन के एंगल में है उतना ही डिनोमीटर में होना चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो टेन एक्स 8x, तो 8x से क्या कर देंगे डिवाइडर, 8x से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यहाँ भी लिमिट अलग से लगा देंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 2x, यहाँ देखो ये फार्मूला लगा देंगे, साइन का जितना एंगल है उतना डिनोमीटर में होना चाहिए, तो क्या करेंगे 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2x से डिवाइड। तो देखो अब क्या है, वही बात, लिमिट x टेंस टू जीरो है तो सिंस फिर वही चीज़ लिखेंगे, सिंस x टेंस टू जीरो सो 8x टेंस टू जीरो, सिंस एक्स टेंस टू जीरो सो टू एक्स टेंस टू जीरो। तो ये तो क्या हो गया बच्चों, यहाँ से
ये इतना, ये जो वन हो गया, और ये भी क्या हो गया, वन। तो क्या हो गया, वन इंटू में एट एक्स अपॉन में वन इंटू में टू एक्स, दो एक्स एक्स, ये कितना आ गया, एट एक्स अपॉन टू एक्स, ठीक है ना, ये कट गया यहाँ से। तो क्या आंसर आ गया, यहाँ से फोर आ गया, क्या आ गया बच्चों, फोर, ठीक है ना। यहाँ से देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ देखो, अब देखो ये जो स्केयर है ना, ऐसे भी कर सकते हैं साइन ए एक्स का होल स्केयर, हमेशा फंक्शन के ऊपर पावर होती है, एंगल के ऊपर पावर मत कर देना कभी भी, ठीक है ना, एंगल के ऊपर पावर नहीं होती, हमेशा किसके ऊपर होती है, फंक्शन के ऊपर। इसी तरह से ये क्या है, साइन बी एक्स का होल स्केयर। अब देखो यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ देखो अब अंदर तो क्या है ए एक्स है, लेकिन बाहर क्या है, अब देखो ध्यान से देखना, अब साइन स्केयर साइन ए एक्स अपॉन में ए एक्स करूँगा, क्या करूँगा ए एक्स, तो ये क्या स्केयर, लेकिन यहाँ पे अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ ए स्केयर एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, क्यों, और बाहर क्या है स्केयर, देखने में तो यहाँ अंदर तो ए एक्स दिख रहा है लेकिन बाहर स्केयर है, तो यहाँ ए स्केयर एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई किया अगर टोटल देखा जाए तो, ठीक है ना, इनटू में क्या करूँगा मैं ए स्केयर एक्स स्केयर, मतलब ये ऐसे ही है, ठीक है ना, ऐसे अगर आप ऐसे देखो इसको, अगर स्केयर करके देखो तो यहाँ क्या आया ए स्केयर एक्स स्केयर, ऐसे किया, लेकिन अब क्योंकि टोटल का स्केयर बनाना है मुझे, तो यह क्या कर दिया मैंने ए एक्स का स्केयर, ठीक है ना, ताकि इसको मैं कम्प्लीटली वन बना सकूँ, क्योंकि जितना न्यूमरेटर जितना एंगल में है उतना ही डिनोमिनेटर में बन गया, ठीक है ना। सिमिलरली क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसी तरह से साइन बी एक्स, यहाँ पे देखने में तो क्या है बी एक्स से डिवाइड किया है, लेकिन स्केयर होने के कारण क्या है, ये बी स्केयर एक्स स्केयर से डिवाइड किया है, ठीक है ना, मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वही बात, सिंस एक्स टेंस टू जीरो सो ए एक्स टेंस टू जीरो, सिंस एक्स टेंस टू जीरो सो बी एक्स टेंस टू जीरो, तो ये जो अंदर है ये प्रॉपर्टी क्या होगी मेरी, वन हो गई, ये भी वन हो गई, तो यहाँ से क्या आ गया, वन इंटू में ए स्केयर एक्स स्केयर अपॉन में वन इंटू में बी स्केयर एक्स स्केयर, यहाँ से आ गया ए स्केयर एक्स स्केयर और बी स्केयर एक्स स्केयर, ये कट गया ऐसे, तो क्या आंसर आ गया, ए स्केयर अपॉन बी स्केयर आ गया, ठीक है ना। तो इसकी लिमिट क्या आएगी, ए स्केयर अपॉन बी स्केयर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं तो देखो नेक्स्ट, देखो इसके अंदर बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, आपको थोड़ा फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है, ओके। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्केयर, सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, वन माइनस में कोस टू एक्स अपॉन एक्स स्केयर, और लिमिट क्या है बच्चों, एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है ना। हमेशा इन लिमिट के ना जीरो बाई जीरो फॉर्म बनती है, वैसे बना के देख लो, देखो कोस जीरो क्या हो गया, वन, वन माइनस वन जीरो, और जी अपॉन में जीरो, जीरो बाई जीरो, यानी एक्स की जगह जीरो पुट कर दो तो जीरो बाई जीरो फॉर्म आएगी, ठीक है ना, वैसे नहीं निकलेगा, इसलिए इसको लिमिट को सोल्व करते हैं हम। तो देखो वन माइनस में कोस एक्स का फार्मूला मैंने बार बार बता रखा आप लोगों को, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, तो सोल्यूशन देखो, तो वन माइनस कोस एक्स क्या होता है बताओ, तो ये होता है टू लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये होता है टू साइन स्केयर एक्स बाई टू, मैंने बता रखा है इंटीग्रेशन में भी, अरे यहाँ हो गया एक्स स्केयर, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ से अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब देखो इधर देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, टू को तो रखो बाहर, अरे इसको बना लो साइन एक्स बाई टू का टोटल का होल स्केयर, टोटल का होल स्केयर, और इस क्योंकि यहाँ पे एक्स स्केयर है तो इसको का फोन में एक्स, समझ माई बात, तो यहाँ पे साइन स्केयर एक्स बाई टू हो गया, यहाँ पे एक्स टोटल देखेंगे तो खोलेंगे तो साइन स्केयर एक्स बाई टू अपॉन में एक्स स्केयर है। अब देखो क्या है बच्चों यहाँ पर, अब भाई मुझे क्या चाहिए, यहाँ एक्स बाई टू एंगल है तो यहाँ एक्स बाई टू होना चाहिए, एक्स बाई टू यहाँ से क्या कर दिया मैंने डिवाइड कर दिया, और एक्स बाई टू से दो से क्या कर दिया मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, ओके। अब देखो यहाँ से, अब जैसे क्या लिखेंगे, सिंस एक्स टेंस टू जीरो सो एक्स बाई टू आल्सो टेंस टू जीरो, तो ये जो अंदर वाली प्रॉपर्टी है ना, ये दो को छोड़ दो, ये दो का मतलब चार है यहाँ पर, तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई टू अपॉन में एक्स बाई टू का होल स्केयर, ये तो अंदर वाला तो हो गया वन बाई दिस फार्मूला, जितना एंगल है उतना ही डिनोमीटर है, ये तो हो गया वन, और इन टू में क्या आ गया टू, और अपॉन में क्या है, ये दो का स्केयर है यहाँ पर, ये दो का क्या है स्केयर, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई किया है बाहर स्केयर है, तो ये हो गया फोर, ये तो हो गया वन, तो वन इंटू में ये हो गया वन बाई टू, तो क्या आ गया आंसर इसका बच्चों, वन बाई
टू आ गया। ओके राइट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1/2 आ गया यहाँ से। इसको देखो, आप चाहो तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। इसको देखो, ये क्या है, लिमिट x टेंस टू जीरो, ये मैंने बता रखा है 1 माइनस में को जितना एंगल होता है उसका पावर में उतना ही हाफ आता है। तो यहाँ 2x है तो यहाँ पे क्या आएगा, x आएगा, तो क्या आएगा 2 sin² x / x² लिमिट, इसको मिटा देता हूँ, तो लिमिट x टेंस टू जीरो ये हो गया, दो को दोबारा रखो और इसको लिखो साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये तो बना बनाया है, इसको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना, तो ये तो ऑटोमेटिक बना बनाया है। तो यहां से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इन टू में क्या आ गया 2, ये तो हो गया 1, क्योंकि जितना एंगल है उतना ही डिनोमिनेटर है और एक्स टेंस टू जीरो है, ठीक है ना, तो ये तो हो गया 1, 1 का स्क्वायर 1 इन टू में 2, आंसर क्या आ गया बच्चों इसका 2 आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ी सिंपल है, कुछ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड लिमिट एक्स टेंस टू जीरो 1 cos 4x अपॉन में 1 cos 6x, यानी यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन देखो, 1 cos x अपॉन में 1 क्या आ गया sin² x, राइट। ओके अब देखो इसको, अरे यहाँ पे क्या है, लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू जीरो, ठीक है। ओके अब देखो, फिर वही बात, 1 में cos 4x है, तो मैंने बताया था साइन में क्या आएगा, इसका हाफ, यानी कि क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो 2 sin² 2x, बताया था ना, जितना यहाँ उतना हाफ होता है, यहाँ पर नीचे भी क्या आ जाएगा 2 sin² यहाँ पे कितना है 6x, तो आ जाएगा 3x, तो 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना, तो लिमिट x टेंस टू जीरो, इसको लिखो साइन 2x का होल स्क्वायर, और इसको लिखो साइन 3x का होल स्क्वायर। अब क्या चाहिए मुझे, अब जितना एंगल है उतना ही डिनोमिनेटर बनाना है, तो देखो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 2x, देखने में अंदर 2x है लेकिन बाहर क्या किया है 4x का स्क्वायर से, क्योंकि 2x का स्क्वायर है ये अंदर, ठीक है ना, तो दिखने में तो 2x ही कर रहा है लेकिन बाहर क्या करेंगे, बाहर स्क्वायर के बाहर ये हो जाएगा 4x का स्क्वायर। इसी तरह से लिमिट x टेंस टू जीरो 3x, एंगल क्या है 3x, तो 3x से डिवाइड करूँगा साइन 3x, ये एंगल ये पावर के अंदर किया है लेकिन बाहर क्या है ये 9x का स्क्वायर, तो बाय डेफिनेशन, तो यहाँ से क्या आएगा, अगर x टेंस टू जीरो है तो 2x भी टेंस टू जीरो हो जाएगा, x टेंस टू जीरो है तो 3x भी टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो ये बाय डेफिनेशन इस फॉर्मूले से क्या हो गया, ये 1 × 4x² / 1 × 9x² x, तो क्या आ गया 4x² / 9x² x² से x² तो 4y9 क्या आ गया बच्चों इसका आंसर आ गया, ठीक है ना, क्या आ गया इसका आंसर आ गया। ओके अब देखो, अब वेरी सिंपल, ये तो अगला तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो इसको क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, 1 cos x और इसको बना दो 1 cos² x, अब ये क्या हो गया, 1 का स्क्वायर भी होता है, तो a माइनस बी और a प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, लिमिट x टेंस टू जीरो 1 cos x 1 cos x और 1 cos x, ठीक है ना, ये कट गया यहाँ से, तो लिमिट x टेंस टू जीरो 1 cos x, अब ये लिमिट x टेंस टू जीरो cos x क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो गया 1, cos x क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 क्या हो गया 1/1 + 1 क्या आ गया आंसर इसका बच्चों 1/2 आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करो देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, हाँ अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का थोड़े थोड़े टिपिकल है आने शुरू होंगे अब क्वेश्चन आगे आगे देखना, तो क्या आ गया, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन 2x, और ये आ गया बच्चों हमारे पास 1 cos 2x अपॉन में क्या है x³, ठीक है। अब देखो, अब अपना एक पार्ट तो यही बना लेते हैं, लिमिट
एक्स टेंस टू जीरो साइन टू एक्स अपॉन में एक्स, तो एक तो ये अलग पार्ट रखो, यहाँ क्या करेंगे हमें दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दो से क्या कर देंगे, दो से मल्टीप्लाई दो से डिवाइड, तो ये तो फार्मूला बन गया यहाँ से एक वाला। अब इसको देखते हैं, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, देखो ये आ गया वन माइनस में कोस टू क्या आ गया टू साइन स्केयर एक्स, होता नहीं है जितना एंगल उसका हाफ, और अपॉन में क्या आ गया एक्स स्केयर, इस दो को भी बाहर लो, तो देखो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ठीक है ना। अब देखिए यहां से क्या लेंगे दो इंटू में, ये तो क्या हो गया वन हो गया, क्योंकि जितना एंगल है उतना ही डिनोमीटर है, ये तो क्या हो गया वन हो गया, ठीक है ना। और इंटू में क्या आ गया यहां से, इस दो को भी यहां ले लो, तो कितना हो गया यहां से फोर हो गया, फोर इंटू में क्या आ गया साइन एक्स अपोन में एक्स का होल स्केयर, समझ में आई बात है, साइन स्केयर एक्स एक्स स्केयर साइन एक्स अपॉन एक्स का जितना एंगल उतना ही डिनोमीटर, ये भी क्या हो गया यहाँ से इस फार्मूले से वन हो गया, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर इसका, फोर आ गया, क्या आ गया इसका फोर आंसर आ गया, समझ में आई बात है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये देखो हाँ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन थ्री एक्स माइनस में साइन एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखने कुछ नहीं है। अब देखो ये डिनोमीटर इन दोनों के नीचे है, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी, देखो इसको क्या करेंगे अलग अलग करो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन थ्री एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस में साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो गया वन हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे वही काम, क्या करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन थ्री एक्स, इसके अपोन में क्या करो थ्री एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, थ्री एक्स से ठीक है ना डिवाइड कर दो, या डिवाइड मल्टीप्लाई अपोन में साइन एक्स, यहाँ भी ऐसे करो एक्स से डिवाइड कर दो और एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा दो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। अब देखो यहाँ से ये भी क्या हो गया, ये तो वन हो गया, क्या हो गया ये क्या हो गया वन, तो क्या आ गया यहाँ से वन इंटू थ्री एक्स, ये भी क्या हो गया वन हो गया, तो वन इंटू में एक्स, ये आ गया थ्री एक्स अपॉन में एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, कितना आंसर आ गया बच्चों थ्री आ गया, समझ में आई बात है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, दो दो नंबर में आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन फाइव एक्स माइनस, ये तो हो गया ये आ गया साइन टू प्लस एक्स माइनस साइन टू माइनस एक्स, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास अपॉन में एक्स। तो यहाँ से क्या लगेगा सी डी फार्मूला लगेगा बच्चों, क्या लगेगा सी डी फार्मूला, तो ये होता है साइन सी माइनस में साइन डी का फार्मूला होता है टू कोस सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू होता है बच्चों, ठीक है ना, ओके। यहाँ से देखो सी की जगह क्या है टू प्लस एक्स है, डी की जगह क्या है टू माइनस एक्स, तो करो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो करो क्या आएगा टू कोस टू प्लस एक्स माइनस प्लस में टू माइनस एक्स अपॉन में टू, और साइन सी की जगह क्या है टू प्लस एक्स माइनस टू माइनस माइनस प्लस का एक्स और अपॉन में टू, ठीक है। तो देखो और अपॉन में क्या है बच्चों एक्स, देखो यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ये हो गया एक्स से एक्स कैंसिल, और ये दो और दो चार अपॉन में क्या हो गया टू, यानी कि टू कोस टू इंटू में क्या आ गया बच्चों यहाँ से दो कैंसिल हो गया टू एक्स प्लस एक्स कितना होगा टू एक्स अपॉन टू, यानी कि साइन एक्स बच गया साइन एक्स, और अपॉन में क्या है एक्स, ये तो कांस्टेंट है, तो लिमिट या इस कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे टू कोस टू इंटू में क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन में एक्स, ये क्या हो गया वन हो गया मेरा, ठीक है ना, वन हो गया, तो इसका मतलब क्या आ गया क्या आंसर बच गया इसका टू कोस टू इंटू में वन इक्वल टू क्या आ गया टू कोस टू आ गया, समझ में आई बात है, ओके। नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, नेक्स्ट थ्योरम क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ओके बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इनके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ सिक्स देखो फिफ्थ देखते हैं लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स क्यूब कोट
एक्स अपॉन में क्या है वन माइनस ए कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो इसको, तो देखो इसको कोट एक्स को क्या बना लो, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स क्यूब कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स अपॉन में इसको बना लो वन माइनस में इसको बना दो टू साइन स्केयर एक्स बाई टू। आप जानते हो इस फार्मूले को, ठीक है ओके। अब यहाँ से देखो हाँ, तो यहाँ से देखो ये हो गया हमारे पास, एक तो बन गया x, देखो ऐसे बना लेते हैं लिमिट x टेंस टू जीरो, देखो ये फार्मूला का यूज करेंगे इसका, x अपॉन साइन x इज इक्वल टू वन का, तो एक तो बन गया x अपॉन में साइन x, ये तो बन गया हमारा, इन टू में क्या बच गया x स्केयर कॉस x, ठीक है ना ओके। इसको अलग ले लेते हैं और अपॉन में क्या है इसके टू, और ये हो गया साइन स्केयर x बाई टू, साइन स्केयर x बाई टू, ठीक है। तो इसका आंसर है आप देखो देखते हैं, देखो देखो इसको क्या करेंगे, इसको तो बना देते हैं वन एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है ना, ये तो हो गया वन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये देखो इसको 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 एक बटा दो को भी बाहर रखो, और यहाँ से देखो क्या करेंगे, और कोस एक्स को अलग रखो, और यहाँ से बन गया एक्स अपॉन में साइन एक्स बाई टू का होल स्केयर, देखो x का स्केयर और साइन स्केयर x बाई टू, ठीक है। अब क्या करना है, साइन x बाई टू यही फार्मूला बनाएंगे x अपॉन में साइन x, तो क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, देखो यहाँ पे x है तो x के अपॉन में दो कर देंगे, x के अपॉन में दो कर देंगे, और लेकिन मल्टीप्लाई होगा चार से, क्योंकि दो का स्केयर है, तो इनटू में क्या हो गया यहाँ से फोर हो गया, ठीक है ना। तो देखो लिमिट x टेंस टू जीरो, ये तो क्या हो गया वन हो गया, और लिमिट x टेंस टू जीरो कोस x क्या होता है वन होता है, ठीक है ना, तो क्या आ गया लिमिट x टेंस टू जीरो वन बाई टू, और ये क्या हो गया, ये भी वन हो गया, क्या हो गया ये वन इंटू में, ये भी क्या हो गया वन का स्केयर, अरे इंटू में क्या हो गया बच्चों इंटू में फोर हो गया, तो दो से दो कट गया, कितना आ गया यहाँ से दो आंसर आ गया, क्या आ गया आपका टू आंसर आ गया, समझ में आई बात है ओके। अब देखो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर लेक्चर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे ठीक है ना। तो अब छठा क्वेश्चन देखो इसी के अंदर, ये क्वेश्चन है क्या है मेरे पास, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन टू, पेपर में आया हुआ है ये 2011 में आया हुआ है, आता रहता है पेपर में, फोर एक्स माइनस में साइन फाइव एक्स। अब देखो कुछ नहीं करना है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, देखो साइन यहाँ देखो यहाँ क्या करो, न्यूमरेटर एंगल में कितना है 2x, तो क्या करोगे साइन 2x अपॉन में 2x इनटू में क्या कर दो 2x, और प्लस में क्या है 3x, पढ़ा रहेगा हमें क्या दिक्कत है, लिमिट x टेंस टू जीरो अलग अलग लिमिट लगा दो 4x माइनस में या क्या है साइन 5x, 5x से डिवाइड कर दो और 5x से क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब देखो ये जो पोर्शन है ना साइन 2x अपॉन 2x वाला, ये तो क्या हो गया वन हो गया, यहाँ से क्या हो गया वन, तो क्या बच गया यहाँ से, ये हो गया वन इंटू में 2x और प्लस में 3x, ये हो गया 4x और माइनस में कितना हो गया बच्चों ये 5x, ठीक है ना, ये तो वन हो गया। अब यहाँ से क्या आ गया 5x अपॉन में कितना आ गया बच्चों माइनस का x, x से x कैंसिल हो गया और ये माइनस का 5 आंसर आ गया, माइनस का 5 आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये मैंने पहले तीन क्वेश्चन थे इनके, तीन तीन चार चार पाँच पाँच छः छः पार्ट थे वो मैंने करा दिए, तीन क्वेश्चन और बच गए, उसको नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा करवा दूंगा, तो हमारी 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी एक लेक्चर में और, ठीक है ना ओके। तो आप मेरे चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना, थैंक यू।